हेलो फ्रेंड्स, मैं सरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूंगी एक तरीके के पास्ता का। जी हाँ, आजकल पास्ता हम सभी घर में बनाते हैं, लेकिन कौन सा पास्ता बनाना चाहिए और जिस ब्रांड का मैं ये पास्ता यूज कर रही हूँ, इस पास्ता में क्या स्पेशल है? तो ये केया का, आप देख सकते हैं, ये केया ब्रांड का शेल पास्ता है। तो ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, मैं भी इसको ओपन करूंगी तो दिखाऊंगी। ये छोटे छोटे पीसेस हैं और ये पास्ता जो है ये 100% ड्रम व्हीट से बना है, यानी कि सूजी से बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि सूजी बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं या जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, उनके लिए भी ये पास्ता बिल्कुल बेस्ट है। तो ये 400 ग्राम्स की पैकिंग है और मुझे काफ़ी अच्छी डील में ये 90 रुपीज़ का मिला था। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कहाँ से क्या ऑफर मिल रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट इसको अभी आपको कुक करके भी दिखाऊंगी ये कैसे डिफरेंट है और पास्ता से। ये शेप मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल भी मैसी नहीं होता है इनको खाना, क्योंकि ये पेनी या स्पाइरल पास्ता की तरह बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो बाइट साइज में बहुत कन्वीनियंटली बच्चे इनको इंजॉय कर पाते हैं। तो हर पास्ता के पैकेट पे उस पर मैंशन होता है कि उसको कितनी देर तक कुक करना है, और अच्छे पास्ता की पहचान तभी होती है जब उसको आप बिना ऑयल के कुक करें, यानी कि बॉइल करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको पास्ता बॉइल करना है तो आपको सुपर हॉट बॉइलिंग वाटर में पास्ता को ऐड करना है। अक्सर पास्ता को लोग ठंडे पानी में डाल के और फिर उसको बॉइल करते हैं, तो उससे जो पास्ता है वो टाइम भी ज़्यादा लेता है कुक होने में और वो इतने अच्छे टेक्सचर का नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 लीटर पानी रखा है बॉइल होने के लिए, और इसमें मैं ऐड करूँगी लगभग 150 ग्राम जितना पास्ता। तो आप देख सकते हैं जो मैंने बॉइल में लिया है, अंदाजे से आप कर सकते हैं, बट पानी खूब सारा होना चाहिए पास्ता को बॉईल होने के लिए। अगर बहुत सारा पानी नहीं होगा तो जो पास्ता है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, अच्छे से पकेगा नहीं। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगी करीब 1 टीस्पून जितना सॉल्ट। तो सिर्फ नमक डालना है इसमें, कोई ऑयल नहीं डालना है किसी भी तरीके का। और हर पैकेट में, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, मेंशन होता है कि कितना टाइम लगेगा उसे कुक होने में। तो इसमें 9 to 11 मिनट्स लिखे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 मिनट्स तक के लिए तो कुक करेंगे, और उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। हल्का सा स्टिर कर दूंगी और आप देख सकते हैं बॉइल बना हुआ है, जो उबाल है पानी में वो बना हुआ है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पानी में उबाल आ जाए तभी आप पास्ता इसमें ऐड करें। तो इसको बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो साइज है शेल पास्ता का वो कितना बड़ा हो गया है और बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो इनकी शेप है वो अभी भी इंटैक्ट है। ये देखिए, शेल है वो एज इट इज इंटैक्ट है और ये बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। तो ये परफेक्ट टाइम है गैस की फ्लेम को ऑफ करने का और इनको स्ट्रेन आउट करने का। तो अगर आप बहुत इजी वे में करना चाहते हैं तो इस तरह का आप स्ट्रेनर लें और इस तरह के छलनी से, बड़ी छलनी से, आपको पूरा बर्तन उठाने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से आप इसको स्ट्रेन आउट कर सकते हैं और बहुत सेफली आप इसको कर पाएंगे। जो बिगनर्स हैं या जिन्हें थोड़ा गर्म चीज़ों से डर लगता है, उनके लिए भी बिल्कुल बेस्ट है ये तरीका इसको एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन आउट करने का। तो ये मैंने सारा पास्ता निकाल लिया है इस तरह से, और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हम करने वाले हैं कि अब हमें इसको रनिंग वाटर में एक दो बार धोना है ठंडे पानी से, जिससे कि जो ये कुकिंग प्रोसेस है पास्ता में वो रुक जाए और ये ओवर कुक ना हो पास्ता। हम इस तरह से सारा पानी निकाल लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अक्सर गलती क्या करते हैं, ये गरम गरम ही पास्ता हम बनाने में यूज़ कर लेते हैं और वो उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और जो शेप है वो इंटैक्ट नहीं रहती है। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है और देखिए बहुत
बहुत ही सुंदर शेप है इनकी। मैं इनफैक्ट आपको दिखाऊंगी रॉ पास्ता कैसा था और बनने के बाद ये पास्ता कैसा तैयार हुआ है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अब हमें करना है। मैं इसमें ऐड करूंगी बस 1 टीस्पून जितना ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ये देखिए एक शाइन आ जाएगी और आप इसको आप कितनी भी देर बाद बनाए ये पास्ता एज इट इज रहेगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं आपस में। तो फ्रेंड्स आज का आपको ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा, आप ही किया का शेल पास्ता जरूर ट्राई करें और अपना कमेंट और अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।